जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, कम से कम बोलकर काम चलाएं और बाकी शेष समय में मशीन की तरह भगवान का नाम लें। श्री सीता जी की अवस्था का वर्णन करते हुए हनुमान जी महाराज कहते हैं, नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। रात दिन नाम का पहरा लगा हुआ है, ध्यान के किवाड़ बंद हैं एवं अपने ही चरणों में नेत्रों का लगा रहना रूप ताला बंद है, इसलिए श्री सीता जी के प्राण नहीं निकल पा रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की कोरी कल्पना नहीं है यह। श्री राम जी के विरह में श्री सीता जी की वास्तविक अवस्था का वर्णन है। श्री भगवान ने अपने आह्लादनी शक्ति के द्वारा यह आदर्श स्थापित करवाया कि हमसे बिछड़े भक्त की यही दशा होनी चाहिए। आप भी प्रभु से बिछड़े हुए हैं, अतः आप भी इस दशा को प्राप्त करने की सुंदरतम अभिलाषा को लेकर नाम का पहरा लगा दीजिए। कंजूस के धन की तरह वाणी का संयम कीजिए, अनावश्यक बिल्कुल मत बोलिए। काम के लिए बोलते समय भी यह ध्यान रहे कि कम से कम बोलकर काम चलाया जाए और शेष समय मशीन की तरह नाम लिया जाए आप अध्यापक हैं, आप विद्यालय में जाइए, पर कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान रखिए कि जिस समय चुप रहने का अवसर हो उस समय भगवान का नाम लेने लगें। लज्जा शर्म छोड़ दीजिए, वहाँ के लोग ढोंगी कहेंगे अथवा प्रशंसा करेंगे, इस विचार को छोड़ दीजिए। दृढ़ता से उद्देश्य स्थिर करके प्रभु के चरणों को पकड़िए, इसी में जीवन की सार्थकता है। जिस सुंदर भाव को लेकर आप साधना में प्रवृत्त हुए हैं, जैसा सुंदर मधुर संबंध आपने प्रभु के साथ स्थापित किया है, उसे एक क्षण के लिए भी कलुषित और ढीला मत कीजिए। अब इस संबंध को निभाने के लिए जीना और मरना है। आइए अब एक भक्त चरित्र सुनते हैं। भक्त रामदास चमार। दक्षिण में गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की एक नगरी थी, रामदास वहीं रहता था। जाति का चमार था, परंतु था अत्यंत सरल हृदय का, सत्य और न्याय की कमाई खाने वाला और प्रभु का निरंतर चिंतन करने वाला भावुक भक्त। भक्त रैदास का नाम बहुतों ने सुन रखा है, परंतु रामदास भक्ति में रैदास जी से किसी कदर कम न थे। रामदास की पतिव्रता स्त्री का नाम था मूली। दंपत्ति में बड़ा प्रेम था आपस में। इनके एक छोटा लड़का था, वह भी माता पिता का परम भक्त था। स्त्री पुरुष मिलकर जूते बनाते, रामदास उन्हें बाजार में जाकर बेच आता। खरी मेहनत की मजदूरी सात्विक हुआ करती है, ऐसी ही मजदूरी के पैसों का सदुपयोग होता है और उनसे दाता ग्रहिता दोनों के अंतःकरण की शुद्धि होती है। तीनों प्राणियों के पेट भरने पर जो पैसे बचते उनसे रामदास अतिथि की सेवा करता और पीड़ित प्राणियों के दुख दूर करने का प्रयास करता। वह समय समय पर भगवान नाम संकीर्तन सुनने जाया करता और बड़े प्रेम से स्वयं भी अपने घर कीर्तन करता। कीर्तन में सुनी हुई यह एक पंक्ति, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, उसे बहुत ही प्यारी लगी और उसके कंठस्थ हो गई। वह निरंतर इसी पंक्ति को गुनगुनाता हुआ सारे काम किया करता। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वे श्रद्धा रहित वेद मंत्रों के उच्चारण से प्रसन्न न होकर भक्त के अस्फुट वाणी के प्रेमपूर्ण अशुद्ध शब्दों से प्रसन्न हो जाते हैं। रामदास के विशुद्ध और सरल हृदय से निकले हुए इस गीत गोविंद से प्रसन्न होकर प्रभु ने उसे और भी अपनाना चाहा। कुछ चोर गहनों के साथ ही कहीं से एक सुंदर सुलक्षण स्वर्ण युक्त शालिग्राम की विशाल मूर्ति चुरा लाए थे, पर उन्हें उससे क्या मतलब। उनमें से एक चोर के जूते टूट गए थे, उसने सोचा इस पत्थर के बदले में जूते की जोड़ी मिल जाए तो अच्छा है। भगवत प्रेरणा से शालिग्राम जी की मूर्ति को लेकर वह सीधा रामदास के घर पहुंचा और मूर्ति उसे दिखलाकर कहने लगा, अरे भाई देख यह कैसा मज़ेदार पत्थर है, जरा अपने औजार को इस पर घिस तो सही, देख कैसा अच्छा काम देता है, पर इसके बदले में मुझे एक जोड़ी जूते देने पड़ेंगे। रामदास उस समय दूसरी ही धुन में था, वह हरी मैं जैसो तैसो तेरो की पंक्ति
गुनगुना रहा था और इस बात का अनुभव कर रहा था कि वास्तव में मुझे भगवान ने अपनी शरण में ले लिया है, मैं उनका सदा के लिए सेवक बन गया हूँ। इसी परम विश्वास के साथ वह आनंदपूर्ण हृदय से उक्त पद गा रहा था और हाथों से स्वाभाविक ही जूते सिल रहा था। चोर की आवाज़ सुनकर वह चौंका, उसके भजन में भंग पड़ा। उसने समझा कोई खरीदार है। उसने जूते की एक जोड़ी चोर के सामने कर दी। चोर ने उसे पहनकर दामों की जगह वह मूर्ति रामदास के हाथ पर रख दी। रामदास अभी तक अर्ध चेतन अवस्था में था। उसका मन बरबस प्रभु की ओर खींचा जा रहा था। उसको दामों की बात याद ही नहीं आई। मूर्ति को उसने अपने सामने रख लिया और उसी पर औजार घिसने लगा। भगवान शालिग्राम बनकर प्यारे भक्त के घर आ गए। रामदास अब उसी मूर्ति पर औजार घिसता, उसी पर रखकर चमड़ा काटता, उसी पर रखकर कई बार चमड़ा सिलाई करता, पर उसका पद गाना कभी बंद नहीं होता। हरी मैं जैसो तैसो तेरो, हरी मैं जैसो तैसो तेरो। एक दिन एक ब्राह्मण उस तरफ से निकले, शालिग्राम की ऐसी अप्राप्य मूर्ति चमार के पत्थर की जगह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उस समय रामदास उस गोल मूर्ति को पैरों के बीच में रखकर उस पर औजार घिस रहा था। ब्राह्मण ने विचार किया, भला बंदर को हीरे की कीमत का क्या पता, यह चमार शालिग्राम को क्या पहचाने। उन्होंने मूर्ति खरीदने का विचार कर नज़दीक आकर उससे कहा, भाई आज मैं तुझसे एक चीज़ मांगता हूँ, तू मुझे देकर पुण्य लाभ कमा ले। यह पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, मेरे नेत्र इससे हटाए नहीं हटते। तू मुझे न देगा तो मुझे बहुत ही दुख होगा। तू चाहे तो इसके बदले में मुझसे 10-5 रुपये ले ले, परंतु यह पत्थर मुझे दे दे। रामदास ने कहा, पंडित जी यह है तो मेरे बड़े काम की चीज़, ऐसा पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला था, पर जब आप इसके न मिलने से इतने दुखी होते हैं तो लीजिए, मैं आपको दे देता हूँ। कीमत मैं कुछ भी नहीं लूँगा, आपके आशीर्वाद से मेहनत करता हूँ, उसी से तीनों प्राणियों के पेट भर जाते हैं, ज़्यादा लोभ में क्या रखा है, आप ले जाइए, खुशी से इस पत्थर को ले जाइए। इतना कहकर रामदास ने शालिग्राम जी की मूर्ति पंडित जी को दे दी। पंडित जी पूजा तो बड़ी विधि से करते थे, मूर्ति को पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। वे उसे घर ले गए। उन्होंने कुएं के जल से स्नान किया, फिर पवित्र स्वच्छ वस्त्र पहनाकर शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करा, सिंहासन पर पधराकर षोडश उपचार से उनकी पूजा की। इस प्रकार पंडित जी नियत समय पर प्रतिदिन भगवान की पूजा करने लगे। पंडित जी पूजा तो बड़ी विधि से करते थे, परंतु उनके हृदय में दैवी गुण नहीं थे। उसमें लोभ, ईर्ष्या, कामना, भोग वासना, इंद्रिय सुख की लालसा, क्रोध, वैर आदि दुर्गुण भरे थे। इसी से वे पूजा करते समय भगवान से अपने मनोअनुकूल कार्यों की सिद्धि के लिए याचना किया करते। रामदास अशिक्षित था, परंतु उसका हृदय बड़ा ही पवित्र था। उसके मन में लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और वैर आदि का नाम निशान भी न था। वह तीनों प्राणियों के पेट भरने और अंग ढकने जितने पैसों से अधिक धन संपत्ति की इच्छा भी नहीं करता था। अनित्य ऐश्वर्य की कल्पनाओं में उसका मन कभी स्वर्ग, पाताल, भूलोक पर नहीं भटकता था। शुद्ध हो या अशुद्ध, वह सात्विक श्रद्धा और परम विश्वास के साथ प्रेम पूर्वक प्रभु के नाम का गुणगान किया करता था। भगवान शालिग्राम ने विचार किया, आह, जब वह परम श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीत गोविंद गाता हुआ मेरी मूर्ति पर जल छोड़कर अपना औजार घिसता था, उस समय मुझे ऐसा लगता था मानो कोई परम भक्त पुरुष सुक्त से मुझे स्नान कराकर मेरा शरीर पोंछता है। जब वह मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ मूर्ति को पैरों में रखकर उस पर चमड़ा रखकर काटता था, तब मुझे ऐसा लगता मानो मेरे अंगों पर कोई भक्त चंदन कस्तूरी का लेप कर रहा है। अवश्य ही उसको मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, परंतु उसने अपनी सरल, विशुद्ध, निस्वार्थ भक्ति से मुझे वश में कर लिया। इधर यह पंडित जरूर ब्राह्मण है, वर्ण में ऊंचा है, त्रिवर्ण से पूजनीय है और मेरी पूजा भी विधि से करता है, परंतु यह अपने को केवल मेरा ही दास नहीं मानता, यह तो धन कीर्ति का दास है, उन्हीं के लिए मेरी पूजा करता है। यह वास्तव में धन वैभव का ही भक्त है, मेरा भक्त नहीं है। यह विचार कर भगवान शालिग्राम ने पुनः रामदास के घर जाना निश्चित किया।
रात को स्वप्न में ब्राह्मण को आदेश वाणी सुनाई दी, ब्राह्मण कल सवेरे ही मुझे रामदास चमार के घर पहुंचा आना, तेरी स्वार्थ भरी आडंबरी पूजा मुझे अच्छी नहीं लगती। उसके भाव भरे गीत गोविंद को सुनकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है, परंतु मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए तेरी धन कामना पूर्ण होगी, तू यथेष्ट धन और यश को पाएगा। परंतु प्रातःकाल ही मुझको भक्त रामदास के घर अवश्य पहुंचा देना। ब्राह्मण भगवान की आज्ञा पाकर डर सा गया। सवेरा होते ही वह स्नान संध्या से निवृत्त होकर प्रभु शालिग्राम की वह मूर्ति को एक कपड़े में लपेटकर रामदास के घर की ओर चल पड़ा। जाकर देखता है रामदास ध्यानस्थ अवस्था में बैठा है, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है और वह धीरे धीरे वही गीत गोविंद गा रहा है। ब्राह्मण ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा, भाई यह लो तुम्हारा धन धान्य, धन्य है तुम्हारे माता पिता और तुमको। रामदास तुम बड़े ही पुण्यात्मा हो जो तुमने भगवान को अपने वश कर लिया है, अब इसे मामूली पत्थर न समझना, यह उन्हीं त्रिभुवन नाथ भगवान की प्रतिमा है जो सारे विश्व के घट घट में विराजमान है और सबकी गति तथा आश्रय हैं। इन्हीं की शरणागति से जीव माया के बंधन से सहज ही छूट जाता है। तुम्हारे सरल निस्वार्थ भाव से और गीत गोविंद के गान से प्रभु तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। अब तुम इनकी पूजा करना, इसी से तुम्हें साक्षात दर्शन होंगे। मैं महान पापी हूँ, इसलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। भाई तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया, तुम भव सागर से तर चुके, तुम भगवान के अनन्य भक्त हो, धन्य है तुम्हें बार बार धन्य है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास के हृदय में दिव्य ज्ञान का उदय हो गया। ब्राह्मण के चले जाने पर उसने गीत गोविंद गाते गाते भगवान शालिग्राम को लेकर घर में जाकर सारा हाल पत्नी को सुनाया और भगवान को छोटे से आसन पर बिठाकर उनकी पूजा करने लगा। तत्पश्चात प्रेम में गदगद होकर उसने भजन गाया, अंत में ध्यान में तल्लीन हो गया। कुछ समय बाद बाह्य चेतना प्राप्त कर वह दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं अति दीनहीन अज्ञान दुर्जन पतित प्राणी हूँ, रात दिन चमड़े का काम करना ही मेरा काम है, मुझ में न शौच है न सदाचार है, मुझसा नीच जगत में और कौन होगा, ऐसे पतित पर प्रभु की इतनी कृपा क्यों हुई। प्रभु आज मुझे प्रत्यक्ष दिखता है कि तुम यथार्थ ही करुणा सागर हो, दीन बंधु हो, सच्चे पतित पावन हो। अब रामदास का प्रेम समुद्र उमड़ पड़ा, वह धंधे रोजगार के लायक नहीं रह गया, प्रेम में विवल हो नाच नाच कर प्रभु का नाम कीर्तन करने लगा। प्रेमावेश में उसमें अष्ट सात्विक भावों का उदय होने लगा, कभी हंसता, कभी रोता, कभी चुप रहता, कभी गान करता, कभी नाम कीर्तन करता, कभी नाचने लगता। होते होते उसके मन में प्रभु के दर्शन की लालसा बड़े जोर से जाग उठी। अब उसे प्रभु का वियोग असहनीय हो गया, वह गदगद कंठ से होकर कहने लगा, हे वंशीधर, हे मदन मोहन, तुम्हें नमस्कार है, बार बार तुम्हारे पावन चरणों में मेरा नमस्कार है। प्रभु क्या मुझको तुम्हारे परम आनंदमय श्याम स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, अवश्य ही यह मेरी आशा बालक के चांद लेने के जैसी है। लाखों वर्ष तप करने पर बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनियों को जिन चरणों का दर्शन नसीब नहीं होता, मैं दीनहीन शुद्र चमार उन दर्शनों का आनंद कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। पर क्या करूँ, मुझसे रहा नहीं जाता नाथ, तुम ही ने तो मेरे हृदय में यह आग लगाई है, अब यह तुम्हारे ही किए शांत होगी। मैंने तो न पहचान कर तुम्हारी मूर्ति का कितना निरादर किया, कितना अपमान किया और तुच्छ समझकर मांगते ही उसे दे डाला, परंतु तुम मुझे नहीं भूले, कृपा करके फिर आए, ब्राह्मण के द्वारा अपना स्वरूप बतलाकर मुझे इतना करने की हिम्मत दी। हे दीनदयाल, यह सारा साहस तुम्हारी ही कृपा पर निर्भर करता है। इस प्रकार प्रार्थना करते करते श्री हरि के साक्षात्कार की उत्कंठा उसके हृदय में बड़ी दृढ़ हो उठी। वह रात दिन सब कुछ भूलकर प्रभु मुझे दर्शन दो की रट लगाने लगा। भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त का विशुद्ध भाव उन्हें बड़ा प्यारा लगता है। जो कोई भी काम क्रोध लोभ मोह दंभ को छोड़कर विशुद्ध और निस्वार्थ हृदय से परम विश्वासपूर्वक एकमात्र भगवान को ही अपना आश्रय बनाकर
प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना भगवान तत्काल सुनते हैं, भगवान तत्काल सुनते हैं। भावग्राही भगवान रामदास की प्रेम भरी पुकार सुनकर स्थिर न रह सके, वे एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धर भक्त के घर पहुँचे। जाकर देखते हैं भक्त रामदास भगवत प्रेम की मस्ती में झूमता हुआ कीर्तन कर रहा है, कभी नाचता है कभी गाता है। लीला में भगवान कुछ देर तक भक्त की प्रेम दशा का निरीक्षण कर मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर उसे सचेत करते हुए बोले, अरे भाई तू इतना क्यों नाचा कूदा करता है, रात दिन क्या बड़बड़ाता है, सारा काम धंधा छोड़कर तू किसको रिझाने के लिए यह सब कर रहा है। भगवत प्रेरणा से रामदास की प्रेम समाधि तत्काल टूट गई, वह अंतर जगत से बाह्य जगत में आ गया। उसने देखा सामने एक ब्राह्मण खड़े हैं, उसने विनीत भाव से प्रणाम करते हुए कहा, देव मैं महामूर्ख और नारकी प्राणी हूँ, मेरा अपराध क्षमा करना, आपके प्रश्नों का मैं क्या जवाब दूँ, मैं जाति का चमार हूँ, मन का कुटिल, विद्या बुद्धिहीन हूँ। इसके बाद रामदास शालिग्राम के मिलने, ब्राह्मण को देने और वापस प्राप्त होने की सारी घटना सुनाकर कहा, ब्राह्मण देवता मुझसे कह गए थे कि तू इन्हें भगवान समझकर पूजा कर, इसी से तुझे साक्षात दर्शन होंगे, परंतु मुझको अभी तक दर्शन नहीं हुए, मैं पूजा की कोई विधि नहीं जानता, जैसा मन में आता है वैसा ही करता हूँ और बोलता हूँ, आप कोई उपाय बतला दीजिए जिससे दीनदयाल प्रभु मुझ पर कृपा करें। यूँ कहते कहते रामदास मतवाला सा होकर अधीर हो उठा और रोने लगा। ब्राह्मण वेशधारी श्री हरि ने उसे आश्वासन न देकर और भी तपाने के लिए उससे कहा, अरे भाई भगवान का दर्शन कोई मामूली बात थोड़ी ही है, बड़े बड़े देवता और योगी मुनिजन अंतकाल तक तप ध्यान और समाधि करके भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, तुझ जैसे मनुष्य को उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं, मेरी बात मान, इस लंबी आशा को छोड़कर अपना काम धंधा कर। ब्राह्मण के इन वाक्यों से रामदास का हृदय मानो विदीर्ण हो गया, उसकी आंखों से दड़दड़ आंसू गिरने लगे। उसने कहा, देव आपका कहना सत्य है, परंतु मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं नीच हूं, पापी हूं, मेरे पाप की और नीचता की ओर देखकर भगवान मुझको कदापि दर्शन नहीं दे सकते, यह मैं जानता हूँ, परंतु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे साथ दीन बंधु हैं, दया के अपार सागर हैं, मुझे दर्शन जरूर देंगे, जैसा रंग रूप हो लोग उसी को परम सुहागिन समझते हैं जिस पर पति का प्रेम होता है, मेरे स्वामी का स्नेह मैं परख चुका हूँ, आप जो कुछ भी कहें मैं अवश्य ही भगवान के दर्शन पाऊँगा। यूँ कहते कहते रामदास का कंठ रुक गया, भक्त के विशुद्ध भाव और दृढ़ विश्वास को देखकर अब भगवान से नहीं रहा गया, उन्होंने अति मीठे स्वर से कहा, वत्स रामदास तेरा जीवन धन्य है, तूने अपने प्रेम से मुझको वश में कर लिया, पाप योनि अंत्यज इस जन्म में ब्राह्मण कभी नहीं बन सकता, परंतु मुझ में विशुद्ध प्रेम करके वह ब्राह्मणों का भी पूज्य और आदरणीय मेरा भक्त बन सकता है, जाति नहीं बदल सकती परंतु पद बदल जाता है, तू आज उसी परम पद को प्राप्त हो गया, ले देख अपने अभिलाषित मेरे दिव्य स्वरूप को। अकस्मात अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश छा गया, रामदास की आंखें मुंद गई, उसने हृदय में देखा भगवान मदन मोहन त्रिभंगी लाल मुस्कुराते हुए मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं, कैसा सुंदर रूप है, वह आनंद सागर में डूब गया। अचानक आंखें खुली, देखता है सामने भी प्रभु का वही दिव्य सच्चिदानंद घन विग्रह विराजमान है। रामदास के आनंद का पार नहीं रहा, उसकी सारी व्याकुलता सदा के लिए मिट गई, उसका जीवन अमृतमय हो गया, उसने प्रणाम करके स्तुति करना चाहा, इतने में ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। पुनः दर्शन के लिए रामदास छटपटाने लगा और भगवत भजन में तन्मय हो गया। योग वियोग की इसी आनंदमयी अवस्था में उसका शेष जीवन बीता और अंत में इस नश्वर देह को त्याग कर उसने प्रभु के दिव्य धाम में जा श्री हरि का नित्य पार्षद शरीर प्राप्त किया। बोलो भक्त और भगवान की जय।